बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आज आपके उर्दू के पीरियड में हम ग्रामर का काम करेंगे। पहले दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा। तो बेटा ओपन पेज नंबर 35 पर पहले आप तारीख डालिए बेटे, फिर यहाँ पर दिन लिखिए। हेडिंग क्या है? अल्फाज मुतज़ाद, वो तमाम अल्फाज जो एक दूसरे के उलट माने देते हैं वो मुतज़ाद कहलाते हैं। ये पहले भी हम क्लासों में पढ़ चुके हैं ना, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज ज़िद, वही अब हम करेंगे। शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ क्या है बच्चों? आगाज़। आगाज़ का मुतज़ाद क्या होता है? आगाज़ माने कोई काम शुरू होना, और अंजाम, अंजाम माने कोई काम ख़त्म होना। तो लिख दीजिए अंजाम, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ क्या है? आज़ाद। आज़ाद, एक चीज़ आज़ाद होती है, कोई परिंदा आज़ाद होता है, जबकि जो परिंदा पिंजरे में होता है उसे हम क्या कहते हैं, किस में है वो? कैद में। आज़ाद कैद। आराम बे आराम, ठीक है। अमन जंग। अज़ल, अज़ल माने हमेशा से और हमेशा तक, हम कहते हैं ना अल्लाह ताला अज़ल से है और अबद तक रहेगा। अज़ल का उलट क्या है? अबद, अबद। इज्जत जिल्लत, वेरी गुड। अब इसके बाद सच्चा झूठा, ये तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह आता है। बहार, मौसम होता है ना बहार का, स्प्रिंग का, जिसमें सारे फूल आते हैं और जिसमें से फूल ख़त्म हो जाते हैं, पत्ते ख़त्म होने लगते हैं, वो कौन सा मौसम होता है? खिजां, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है? भारी, शाबाश, हल्का। पसंद नापसंद। पुराना नया। इंसान हैवान, ओके। अब आइए दूसरे कॉलम पे, क्या लिखा हुआ है? अपना। अपना का जिद क्या होती है बेटे? पराया। बड़ा छोटा। दिन रात। बासी ताज़ा। जीत हार। काला सफ़ेद। दूर करीब। सुबह शाम। आगे क्या है? खुशनसीब बदनसीब, ओके। सखावत, सखावत यानी कि कोई सखी होता है ना जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है, डोनेट करता है, सबको सब कुछ देता रहता है, ये अमल सखावत कहलाता है। इसके बजाय इसका मुतज़ाद क्या है? बुखल, कंजूसी करना, ठीक है, बुखल कहते हैं इसको। सखावत बुखल, सखावत बुखल। आम खास। दुआ बद्दुआ, ओके। इस तरीके से बेटा आप अपना ये पेज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।